2023 का एशिया कप अब तक का सबसे ज्यादा मिसमैनेज एशिया कप बताया जा रहा है। फिर चाहे बारिश हो या वेन्यू का सिलेक्शन, यहाँ हर चीज मिसमैनेजमेंट की भेंट चढ़ती दिखाई दे रही है। ऐसे में अब एक और खबर निकलकर सामने आ रही है जिसमें कहा जा रहा है कि एशिया कप का फाइनल रद्द हो सकता है। अब तक एशिया कप 2023 में एक से बढ़कर एक खलल देखने को मिले हैं, लेकिन अब 17 नवंबर को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेले जाने वाले फाइनल मुकाबले में भी खलल पैदा हो सकता है। आपको बता दें कि भारतीय टीम ने सुपर फोर में श्रीलंका को मात देने के साथ एशिया कप के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है, तो वहीं दूसरी टीम का फैसला पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच होने वाले मुकाबले से तय होगा। भारतीय टीम ने बारिश की वजह से लगातार 3 दिन मैच खेले। इसमें सबसे पहले टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ 10 सितंबर को मैच खेला, जो बारिश के चलते 11 सितंबर को रिजर्व डे में पूरा हो सका। तो वहीं 12 सितंबर को टीम इंडिया ने श्रीलंका के खिलाफ अपना अगला मैच फिर से खेला। इस मैच में भी बारिश ने खलल डाला था, लेकिन ये मैच पूरा हो गया। पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच 14 सितंबर को खेले जाने वाले सुपर फोर के अहम मुकाबले के दिन मौसम साफ रहने की उम्मीद जताई गई है, तो वहीं फाइनल मुकाबले को लेकर मौसम काफी खराब रह सकता है। ऐसे में अचानक लिए गए निर्णयों को देखते हुए हो सकता है कि ये खिताबी मैच या तो रिजर्व डे में शिफ्ट हो जाए, या फिर इस बार एशिया कप की ट्रॉफी दोनों टीमों में बराबरी से बढ़ जाए। भारत के खिलाफ मुकाबले में बुरी तरह से हार के बाद पाकिस्तान की टीम को फाइनल में अपनी जगह बनाने के लिए श्रीलंका के खिलाफ मैच में जीत हासिल करनी होगी। ऐसे में अगर खराब मौसम की वजह से ये मैच रद्द होता है तो इसका लाभ श्रीलंका की टीम को मिलेगा, क्योंकि सुपर फोर की पॉइंट्स टेबल में श्रीलंका की टीम का नेट रन रेट पाकिस्तान के मुकाबले काफी बेहतर है। श्रीलंका और पाकिस्तान दोनों के दो दो अंक है। इस मैच के लिए रिजर्व डे भी नहीं रखा गया है। श्रीलंका का इस समय नेट रन रेट 0.200 का है, तो वहीं पाकिस्तान का नेट रन रेट -1.892 का है। अब ऐसे में हम तो यही उम्मीद जताते हैं कि एशिया कप 2023 का फाइनल मुकाबला पूरा हो और इसमें भारतीय टीम विजयी बनकर सामने आए। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और IBC24 के हमारे YouTube चैनल खबर विभाग को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।